बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू और इस्लामियत की टीचर। ये है माह अगस्त का तीसरा हफ्ता। आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक में हर्फ को अलग करें, हर्फ को आ ऊ ई के साथ जोड़िए। कॉपी सफ़ा नंबर 12, 13, 14। और इस्लामियत में हम पढ़ेंगे सबक नमाज के सवाल और जवाब 4, 5, 6 और 7। आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। जी बच्चों, अब हमारे पास है सरगर्मी। पहले हमने हरूफ जोड़े थे, हरूफ जोड़िए। जैसे हमने लिखा था पा आ पा, पा आ पा। हरूफ हमने जोड़े थे पा की आदि शक्ल और अलिफ को जोड़ा था। अब हमारे पास है हरूफ तोड़िए, हरूफ को अलग अलग करें, हरूफ तोड़िए। अब हम देखें कैसे तोड़ते हैं। पा और आ को हमने तोड़ा है जी, ये हर्फ तोड़िए। पा की आदि शक्ल और अलिफ, ये हर्फ तोड़िए, पा आ पा। अब हमारे पास है दूसरा हर्फ फा आ फा, फा आ फा। अब इसको तोड़ते हैं जी, फा की आदि शक्ल और ये अलिफ। हमने पहले जोड़ा था, अब हमने तोड़ा, फा आ फा। जी बच्चों, ये है जा, जा आ जा। आपको पता है ना, जोए की आदि शक्ल नहीं होती और वो अलिफ के साथ ऐसे जुड़ता है। अब हम कैसे तोड़ेंगे जी, जोए की पूरी शक्ल लिखेंगे और उसको अलिफ को ऐसे। ये हमने हरूफ को अलग कर दिया, ज़ा आ ज़ा, और अलग किया तो ज़ोएं और ये अलिफ। ये कौन सा हरूफ है, पढ़िए मेरे साथ, सा आ सा, सा आ सा। अब इनको हम तोड़ते हैं जी, सा आ सा, ये स्वाद की आदि शक्ल और ये अलिफ, ये हरूफ तोड़िए। जी आ, ऐन की आदि शक्ल और अलिफ को जोड़ा था तो ये बना था आ। अब हमें इसको तोड़ना है, हरूफ हम कैसे अलग करेंगे जी। ये है ऐन की आदि शक्ल और अलिफ, ये दोनों अलग अलग हो गए जी। ये ऐन की आदि शक्ल और अलिफ, ये आ अलग हुआ, अलिफ अलग हुआ। ये हमने हर्फ तोड़े, ये स्वार अलिफ, ज़ोए और ये अलिफ। ये फा की आदि शक्ल और ये अलिफ, और ये है पा, पा की आदि शक्ल और अलिफ। जी बच्चों, यहाँ पर है मेरे पास बहुत मज़े मज़े की आइसक्रीम। और कौन कौन सी, आ ऊ ई ए, हर्फे सौत। ये हैं हर्फे सौत, हमने पढ़ा था। अब हम हर्फ सौत के साथ हर्फे तहजी को जोड़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम आ लेते हैं। वाह, अब हमने इसमें हर्फ लिए बे अलिफ बा, बा आ बा, ये हर्फ है बा, बा आ बा। अब बा को हम ओ के साथ जोड़ेंगे, बा ऊ बू, आ ऊ। अब ई के साथ बा ई बी, बा आ बा, बा ऊ बू, बा ई बी। और अब है ए,
ए पे बा आबा मेरे साथ पढ़िए बा उबू बा इबी बा ए बे बा बू बी बे ये थे हर्फ के साथ हर्फ ताजी ब आइए दूसरा हर्फ पढ़ते हैं अब देखिए कौन सा हर्फ है जी का आ का काफ को अलिफ के साथ जोड़ा का आ का अब हम जोड़ेंगे का को ओ के साथ का ओ को का ओ को अब है ई का ई की का आ का ओ को का ई की अब है ए हर्फ ए जी का ए का आ का ओ को का ई की का ए के ये है हर्फ तो सौत के साथ हर्फ तहजी आइए दूसरा हर्फ पढ़ते हैं जी बच्चों ये है ह आ हा म आ मा ف आ ف अब ओ के साथ यही हर्फ ओ के साथ पढ़ते हैं ह ओ हो मा उ मू फा उ फू जी बच्चों अब आ गई ई जी हा ई ही मा ई मी फा ई फी हा आ हा हा ओ हो हा ई ही मा आ मा ओ मो मा ई मी फा आ फा ओ फो फा ई फी अब है ए अब इसमें से हम निकालते हैं हर्फ तहजी ए के साथ जी हा ए है मा ए मे फा ए फे जी बच्चों ये थी हर्फ तहजी आ ऊ ई के साथ अब हम बढ़ते हैं इस्लामियत की तरफ जी बच्चों अब हम पढ़ेंगे इस्लामियत इस्लामियत में हमारे पास सबक नमाज में है सवाल नंबर 4 हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं आप याद करेंगे खाने काबा की तरफ एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ सवाल नंबर 5 नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं जवाब वुजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं वज़ू करते हैं सवाल नंबर 6 नमाज किस चीज़ से रोकती है आप जवाब याद करेंगे बुरे कामों से नमाज किस चीज़ से रोकती है जवाब बुरे कामों से और सवाल नंबर 7 है नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है आप जवाब याद करेंगे अल्लाह ताला खुश होता है नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है अल्लाह ताला खुश होता है बच्चों ये थी आपकी इस्लामियात और उर्दू की क्लास इस सबक को याद करेंगे और उर्दू का काम करेंगे हम फिर मिलेंगे खुदा हाफिज़